हिमाचल प्रदेश सरकार ने फ्रीज डीए को बहाल कर दिया है। इसके बारे में आज अधिसूचना जारी कर दी गई है। 15 अगस्त को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने फ्रीज डीए को बहाल करते हुए प्रदेश के कर्मचारियों के लिए 6% अतिरिक्त डीए देने की घोषणा की थी। हिमाचल सरकार द्वारा कर्मचारियों व पेंशनर्स के लिए 6% डीए देने की अधिसूचना आज कर दी गई है। ये डीए 1 जुलाई 2021 से देय होगा व सितंबर की सैलरी के साथ अक्टूबर महीने में कर्मचारियों व पेंशनर्स को दिया जाएगा। हिमाचल सरकार द्वारा आज 6% वृद्धि के साथ डीए बहाली की अधिसूचना जारी कर दी गई है। अब हिमाचल के कर्मचारियों व पेंशनरों का डीए 6% बढ़ गया है। जहां पहले 153% के हिसाब से हिमाचल के कर्मचारियों व पेंशनर्स को डीए दिया जा रहा था, अब इसे 6% बढ़ाकर 159% कर दिया गया है। हालांकि केंद्र द्वारा पुरानी दर पर 189% डीए दिया जा रहा है, लेकिन अभी हिमाचल के कर्मचारियों व पेंशनरों को 159% के हिसाब से ही डीए दिया जाएगा। हिमाचल के कर्मचारी व पेंशनर 2016 से नए वेतनमान का इंतजार कर रहे हैं, जहां पंजाब सरकार ने नए वेतन आयोग की अवधि को 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ा दिया है। वहीं हिमाचल के कर्मचारियों का इंतजार भी अब बढ़ गया है, लेकिन दिवाली से पहले 6% डीए मिलने पर कर्मचारियों व पेंशनर्स को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी।